मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हुई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ अपने स्किन की थोड़ी सी केयर। मैंने लिया है छोटा सा टमाटर, जो कि मैं अपनी स्किन पे इसको रब कर रही हूँ। इसको करने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है और फेस काफ़ी ग्लो भी करता है। टमाटो को लोग अपने अलग अलग तरीके से, कई तरीके से यूज़ करते हैं उसको, मुल्तानी मिट्टी में मिला के, या बेसन ले लो, कॉफ़ी पाउडर ले लो, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे टमाटर के साथ ये सारे पैक बनाकर अपने फेस पे लगाए जाते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी इसका, पर उसके लिए करना ये है कि आपको मुझे कमेंट करना है, तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। और टमाटर लगाने से आपके स्किन के जो ओपन पोर्सेस रहते हैं वो खुल जाते हैं, और साथ के साथ आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपल सादा टमाटर लीजिए और इस अपनी स्किन पर रब कर लीजिए। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, एंड जब आपको टाइम मिले तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर आओ आदि, अभी मैं आदि को दिखाती हूँ। देखो, मॉर्निंग हुई है, ये सो के उठाया और इसके हाथ में क्या है, दीवाना हो रहा है, दीवाना। आरवी के हाथ में क्या लग रहा है? किसने दी आपको ये बताओ? ये ना सो के उठाया और इसने ना रात को भी ये अपने पास रखे सोया था इस पतंग को, और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कहा, मैं इनका बेटा मैं दे दूंगी तेरे को सुबह को गोदी में। तो मैंने अभी आरवी को ये पतंग दे दी है, अब आरवी इस पतंग को उड़ाएगा, है ना आरवी? उड़ाओगे ना? चलो ठीक है, पतंग उड़ा लो थोड़ी देर, फिर नहाई नहीं करेंगे, है ना? ओके ओके। यहाँ पे आरवी मेरे साथ तो ज़िद कर ही रहा था, अभी पापा जी के साथ भी ये यही खेलने लगा है, पतंग उड़ाने का काम बस इसका पूरे दिन यही रहता है। सुबह सुबह ये बहुत परेशान कर देता, सच्ची में इरिटेट कर देता, फिर पिटाई भी खाता है। यहाँ पापा जी भी इसके साथ पतंग उड़ाने लग रहे हैं, देखो आप। सो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने रूम में, और आरवी की नहाई नहीं हो गई है। ये आ जाओ जल्दी आओ। आरवी ने आज मेरे को कुछ सिखाया था, मैं आपको बताऊंगी आरवी ने मुझे क्या सिखाया। आरवी इधर आओ, बताना जरा क्या सिखाया था। मैं अब आरवी की कोको को देने जा रही हूँ। आरवी जा रही हूँ मैं कोको देने। अब आरवी किसी का कहना नहीं मानता तो हम भी नहीं देखेंगे उसकी पतंग। यहाँ पे आरवी खड़ा है, आरवी अब आरवी छत पे आ गया है ना, शाम का टाइम है और देखो बादल हो रहे हैं इधर। अब इसके मुंह पे ना पतंग पतंग और बस पतंग ही रखी रहेगी। आरवी, और यहाँ पे हम सब खा रहे हैं आम। अरुण ने आम खाया, ये दिखा रहे हैं शेप इसकी, सही खा लिया ना, मैं बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अंदर तक। छत पे से हम आ गए नीचे क्योंकि आ गई है आंधी बहुत जोर की, और मैंने कपड़े वपड़े सब उतार के रख लिए हैं। अभी हो गए शाम के, बज गए 5 पूरा। आपको पता है बाहर तो बादल बादल हो रहे हैं तो और ज़्यादा शाम दिख रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने, और खाने में बनेगी तोरे की सब्ज़ी। ठीक है, नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, मेरे को पहले पता चल गया। तोरे की सब्जी नहीं दिखानी है, ये ना हमेशा मेरे को टोकते हैं, मैं व्लॉगिंग करूँगी पीछे से चें 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 करते ही रहेंगे। गाइस, जैसे कि कहा जाता है वक्त बदलते देर नहीं लगती, वैसे ही आज मौसम बदलते देर नहीं लगी, अभी बादल थे और अभी देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है। और पीछे एक और चीज़ दिखाऊं, उधर देखो रेनबो, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर रेनबो, है ना, बढ़िया लग रहा है ना। मैं अभी ऊपर चल के तब दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सुंदर लग रहा है, धूप निकल आई है और मैंने खाना बना दिया है। सब लोग खाना खा पी के बैठे हैं, और मैं अभी ऊपर जाती हूँ इस वाली नसैनी से, एक बार चढ़ी थी ना, आज दोबारा चढ़ के देखती हूँ, तब से मैं चढ़ी ही नहीं। वैसे एक हाथ में कैमरा, ये फ़ोन पकड़ लो जरा आप, मैं गिर गई तो वैसे ही।
डरते डरते मैं ऊपर तो चढ़ गई हूँ और यहाँ देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है और उधर रेनबो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है सच में। आगे नहीं आ गया देखो रेनबो अरे तो ऐसे होता है नॉर्मल, जब बारिश पड़ने के बाद धूप निकलती है ना तो पक्का रेनबो आता है, आता है निकलता है, आता है बनता है निकलता है जो है। अरे देख पर एकदम देखो विजिबिलिटी कितनी क्लियर हो गई ना बारिश के बाद, हो जाए बहुत साफ हो गई इधर हरियाली हरियाली। अरवी अच्छा लग रहा है, रुको रुको ये तो मम्मा अब इंजॉय करो। अरवी देखो अभी ये एक साइड से थोड़ा सा और डार्क हो गया है और दूसरा भी निकलने लगा है, पर कैमरे में कैप्चर नहीं होगा क्योंकि वो बहुत हल्का हल्का सा है, सिर्फ ये नजरें ही देख सकते हैं उसको। नहीं हो रहा वीडियो में, नहीं आ रहा, बहुत हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है कहाँ निकल रहा है तो इसलिए मैं देख सकती हूँ। और यहाँ पे हम सब लोग ऊपर आ गए और देखो पापा जी उधर ले गए, अरे किधर गए ये रे पापा जी फोन चला रहे। आर भी क्या कर रहे हैं, किधर नहीं बेटा गिर जाएंगे हम दोनों, गिर जाएंगे खड़े हो जाओ। मेरे को तो डर लग रहा है, बच्चे को नाचना आ रहा है, ये देखो कैसे डांस कर रहा है, ये पतंग वाली स्टाइल है, ये पतंग उड़ाते उड़ाते फिर डांस भी उसी में ज्वाइन हो गया है। ये 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 गाना कौन सा बज रहा है, पापा की जय। पापा तो गए नीचे, ये वाला कितने पापा तेरे लो वो भी आज रहा है, ये वाला पापा दो पापा। आर भी तूने तो बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया, चलो अब इधर आ जाओ। तो कितनी मस्ती आ रही है यहाँ पे, ये पानी में घूम रहा है, मम्मी ने धमका दिया। यार भी मान जा बेटा, नहीं मान जाओ, हाँ हाँ नहीं होता बीमार हो जाओगे। अभी सुबह से लेके शाम तक देखो मेरा क्या हाल हो गया है। और देखो यहाँ मैं बना रही हूँ, एक मिनट पंखा बंद कर, इससे आवाज क्लियर नहीं आती। खाना हो गया सबका, लगभग 9 बज गए हैं और अभी सबको वो छोटी मोटी भूख में क्या खाना, तो मैगी बना रहा, तो यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी, ये देख रहे हो आप, आज सबका सूपी वाली मैगी खाने का मन था, तो क्योंकि जल्दी खाना खा लिया था ना सब लोगों ने, तो बोले कि थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है सबको, मन कर चलो थोड़ी सी मैगी बना देते हैं, तो बस वही बन रहा है। और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, एक्चुअली यहीं एंड कर रही हूँ पर अंदर करूँगी क्योंकि ना यहाँ पे अच्छा सा नहीं लगता, अंदर अच्छा लगेगा, मुझे भी गर्मी लग रही है तो वहाँ आराम से बैठ के अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं सबके लिए सर्व कर देती हूँ मैगी और उसके बाद करेंगे ब्लॉग का एंड। सो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अभी मैं फेस वॉश करके आई थी तो मेरी बिंदी छूट गई थी, मैंने दूसरी बिंदी लगा ली है। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो जो भी व्लॉग आपको पसंद आए उस व्लॉग को शेयर कर दिया करो, मैं ये नहीं कह रही हर व्लॉग शेयर किया करो बट जो आपको पसंद आ रहा हो उसे ज़रूर शेयर कर दिया करो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास
तो ठीक है, मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।